गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू यू ऑल सारे लोगों को नमस्कार चलिए रिंकी कुमारी गुड मॉर्निंग अमृतेश कुमार गुड मॉर्निंग प्रीतिश सिंह गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू यू ऑल हैव बीन कनेक्टेड लाइव विद अस उम्मीद करता हूँ ऐसा कि मेरी आवाज आप तक कंप्लीटली पहुंच रही होगी एम ए राइट मेरी आवाज आप तक कंप्लीटली पहुंच रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ एक थम्सअप फॉर क्लियर इंडिकेशन ऑफ साउंड शुड बी प्रोवाइडेड टू अस, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी ब्रेक विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस so, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि हम लोग अपना क्लासेस शुरू कर सकें, राइट और दोस्तों आज जो हमारी कहानी है कहानी ही कह सकते हैं इसको है ना हर हर सब्जेक्ट एक कहानी है और कहानी इस तरह से हो हो चुकी है कि यहाँ पे जो चीजें हम लोग को डिस्कस करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है आप लोग को सब कुछ पता है पहले से आप लोग को डिस्कशन आप लोग को पहले से नोटिफिकेशन चला जाता होगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो राइट right? तो आज जो है टॉपिक टा, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ लिप्स है हाँ कुछ लोग आ रहे हैं जल्दी जल्दी ज्योत्सना कुमारी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले या फिर गुड मॉर्निंग बोले फर्स्ट मीटिंग दिन के फर्स्ट मीटिंग को आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो फर्स्ट मीटिंग को आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हो और आपको जैसा कि पता है आज सर इतना डिटेल से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सेंचुरी आपका ये हाफ सेंचुरी अगर बोलते अगर यही चीज़ रनस होता क्रिकेट होता तो यहाँ पे हाफ सेंचुरी लगने वाला होता मतलब एक छक्का मारे और पूरा का पूरा हाफ सेंचुरी लग गया सिर्फ एक छक्के की वक्त भी है।, है ना तो यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे कर करके फोर्टी फोर सेक्शन से ला दिए हैं और आपका एक चैप्टर सभी समाप्त नहीं हुआ है सोचिए कि डिटेल का डिटेल देखिए कि, किस तरीके से लिया जा रहा है मैंने पहले ही आपको बताया था दोस्त कि हम लोग सिर्फ इस चीज़ से नहीं लेकर इस चीज़ से नहीं छोड़ देंगे कि चलो बोर्ड का एग्जाम्स बोर्ड का सिलेबस कवर हो गया सब सब खत्म आप यकीन नहीं आता तो जो आपने नोट्स तैयार किया होगा जो मैंने नोट्स यहाँ पे जितने 44 लेक्चर्स था 43 लेक्चर्स अभी तक दे दिया आप मेडिकल एग्जाम्स के क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए मैक्सिमम वहां पे क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा सॉल्व होगा लेकिन मैक्सिमम मतलब 90 95 फाइव परसेंट आपके क्वेश्चन यहां तक के टॉपिक के सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली अगर आपने कंप्लीट कवर किया है तो मतलब कि बोर्ड एग्जाम्स के पास साथ, साथ आप मेडिकल एग्जाम्स की भी तैयारी एक साथ कर रहे हैं सुप्रिया राय गुड मॉर्निंग रोहित शर्मा गुड मॉर्निंग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ लिप्स दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ लिप्स की बात करते हैं तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि लिप्स जो होता है दो तरह का होता है डैट इज फर्स्ट वन इज द सिंपल लिप्स एंड सेकेंड वन इज द कंपाउंड लिप्स सिंपल लिप्स के बारे में कुछ स्टडी किया था और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कंपाउंड लिप्स के बारे में स्टडी किया था और इस चीज़ों को आपने बखूबी समझ लिया था राइट बखूबी समझ लिया था और इसके बाद की हम बात करते हैं आज जिसके बाद की बात करेंगे कंपाउंड लिप्स के बारे में बात करेंगे सिंपल लिप्स में कोई डिफ्रेंसिएसन है नहीं सिंपल लिप्स में तो आप होगा नहीं ना सर वहाँ पे डिफ्रेंसिएसन होता जरूर वहाँ पे कंपाउंड लिप्स से पहले हम लोग सिंपल लिप्स के बारे में बात करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई डिफरेंसिएशन नहीं है तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड लिप्स की तो कंपाउंड लिप्स में सर जी यहाँ पे डिफरेंट है डिफरेंट टाइप्स के हैं अलग अलग टाइप्स के हैं अगर डिफरेंस करते ही है तो यहाँ पे दो टाइप्स के लिप्स आते हैं दो टाइप्स के लिप्स आते हैं पहला आप जानना चाहेंगे मुश्किल जरूर जानना चाहेंगे ये चीज़ तो जानना सर आपका हक है है ना आपको ये चीज़ बताने की जरूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है सो पहला जो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ लिप्स का आज का डेफिनेटली जो क्लासेस चलेंगे आपका कंपाउंड लिप्स के बारे में बात करेंगे जितने भी आज टाइप्स बात करेंगे कंपाउंड लिप्स आज आपका समाप्त हो जाएगा तो कंपाउंड लिप्स के सारे के सारे चीज़ दो तरह का होता है पाइनेटलिक कंपाउंड लिप्स और आपका पालमेटलिक कंपाउंड लिप्स या फिर पाइनेट कंपाउंड लिप्स या और ये पालमेट कंपाउंड लिप्स दो तरह का होता है यहाँ पे कंपाउंड लिप्स आपकी बात करते हैं तो कंपाउंड लिप्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स फर्स्ट वन इज द प्लर यहाँ पर दिख रहा होगा सर पूरी तरीके से ये सोनो और एक चीज और सर अगर आप हम्म यहां पे दिख रहा होगा अगर आप सिंसियरली सिंसियरली आप स्टडी करते हैं ना सर अगर सिंसियरली स्टडी करते हैं इन चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यार तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ना सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स में क्लियर अच्छे से कर सकते हो बल्कि आप नीट के एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हो नीट के एग्जाम्स को भी क्लियर कर सकते हो और बायोलॉजी तो बेशक कर सकते हो अब यहां पे बात करते हैं दो तरह के यहां पे बात करते हैं एक पाइनेट कंपाउंड लीव्स और एक है आपके पास पालमेट कंपाउंड लिप्स इसको आप पाइनेटली कंपाउंड लिप्स भी बोल सकते हो और इसको कंपाउंड पालमेटलिक्स भी बोल सकते हो क्वेश्चन आएगा मन में आपके कि सर पाइनेटली कंपाउंड लिप्स क्या है और पालमेटली कंपाउंड लिप्स क्या है राइट इट right? आएंगे सर क्वेश्चंस आएंगे। सो so, देर किस बात की पहली चीज ये और दूसरी चीज़ ये तो पहली चीज बात कर लेते सर पाइनेटली कंपाउंड लिप्स या फिर पाइनेट कंपाउंड लिप्स किसको बोलते रहे चलिए अगर सरकार ये बात करे, तो मैं दो तीन फिगर आपके पास आपके माइंड में सेट करना चाहता हूँ वो फिगर सेट अगर हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आएगा वो सेट अगर फिगर हो जाता है तो बहुत ही मज़ा आने वाला है हाँ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो वो क्या आप जानना चाहेंगे? वो फिगर्स कौन सा आपके माइंड में मैं सेट करने सेट करने वाला हूँ आर यूर इगर टू नो और आर यू एक्साइटेड टू फिट दैट इमेज इन योर माइंड सेट अगर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इम्पोर्टेंस आपकी बात करते हैं तो आपने कुछ पौधे के बारे में देखा होगा कुछ पौधे वो उसमें कौन से होते हैं वो पौधे मैं बता, बता, बता बात करता हूँ अगर बात करते हैं पे चीज़ें किस तरीके से होती हैं मुझे लगता है आप ईगर हो आप एक्साइटेड हो क्योंकि एक्साइटमेंट की जगह है यहां पे बायोलॉजी में बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना सर पहली चीज एक्साइटमेंट की जगह है एक्साइटमेंट की जगह होती है यहां पे चीजों को बात करने वाला चीजें समझने की आनी चाहिए वो चीज आनी चाहिए जस्ट होल्ड ऑन क्या है सर तो पहली चीज अगर बात कर लेते हैं सर यहाँ पे तो आपका इमली का पौधा आपने देखा होगा यसोनो हैव यू हर्ड द टैमरिंडस इंडिका यसोनो टैमरिंडस इंडिका याद कीजिए अगर साइंटिफिक नेम की बात करते हैं यहां पे टैमरिंडस इंडिका इसी को सर बोलते हैं इमली इमली के लिप्स को देखा आपने इमली के लिप्स को आपने देखा होगा एक याद कीजिए सैजन कहते हैं ना सैजन याद कीजिए लिप्स है सैजन उसको भी आपने देखा होगा उसके लिप्स के स्ट्रक्चर्स को आप याद कीजिए कैसा होता है उसके लिप्स के स्ट्रक्चर्स को याद कीजिए कैसा होता है उन चीजों को वहां से आपको समझ में आएगी कि चीजें किस तरह से होती हैं वहां से यू हियर मी वहां से चीजें आपको समझ में आएगी कि किस तरह से चीजें यहाँ पे होती है अब सर इमली का अगर पौधा कि अगर लिप्स की आपने फिगर आपके माइंड में हो गया तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए समझाना ये मेरे लिए समझाना बहुत आसान हो गया कैसे ज्यादा ध्यान से, से साइंटिफिक नेम है सर अब देन दीजिएगा आप अगर बात करते हैं पे दो वर्ड में लाऊंगा इससे पहले कि मैं इस चीजों को कंपाउंड लिप्स को बताऊं पाइनेट कंपाउंड लिप्स को बताऊं मैं दो चीजें आपको दिखाना चाहूंगा आपके मन में ये चीजें क्वेश्चंस अटैक करेगा सर आप क्या डिफरेंसेस बता रहे हैं एक आपका आज ये है रैचेस और एक है आपका पेटियोल्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैसेस एंड पेटियोल्स फर्स्ट वन इज रैसेस एंड सेकंड वन इज अ पेटियोल्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हां बता रहा हूं बता रहा हूँ सर बता रहा हूं एक चीज एकदम समझ में आएगा पूरी से पॉइंट विल बी अंडरस्टैंडेबल तो पहली चीज देख लेते हैं सर यहां पे राशिज और पेटियोल्स क्या होगा क्योंकि ये दोनों यहां पे आने वाले हैं ये दोनों यहां पे आने वाले हों ये दोनों आने वाले हैं वहां पे तो पहली चीज राशिज क्या है और पेटियोल्स क्या जरा ध्यान से सोचिएगा सुनिएगा क्या है सुनिएगा यहाँ पे अब जरा सोचिए ध्यान दीजिएगा अगर इसकी बात करते हैं सर तो आप पेटियोल्स और रांच के बारे में ध्यान से देखिएगा पूरी तरीके से पेटियोल्स जो होता है ना सर स्टॉक होता है जो आपके बेस से लिफ्ट के बेस से लिफ्ट के बेस से लिफ्ट ब्लेड तक होता है वो स्टॉक वो स्टॉक जो आपका लिफ के बेस से ये लीफ का बेस है सर ये लिफ बेस है ये लिफ बेस है और ये आपका लिफ ब्लेड है राइट ये आपका लिफ ब्लेड है या फिर आप बोल सकते हैं लैमिना है तो जहां से लैमिना स्टार्ट होता है यहां से और यहां तक के बीच को इसको क्या बोलते हैं पेटियोल्स लेकिन जनाब लेकिन जनाब ये है लिफलेट ये है लिफलेट ये छोटे छोटे लिफ्स है राइट ये छोटे छोटे लिव्स है इसको बोलते हैं लिफलेट ये आपका लिफलेट है ना तो लिफलेट में जो आपका ये स्ट्रेंथ ये जो धागा दिख रहा है धागा की तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सर आपको ये चीजें दिख रहा है इसको बोलते हैं राशिज इसको बोलते हैं राशिज तो राशिज और आपके पेटियोल्स में डिफरेंसेज दिखा अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राचिस एंड पेटियोल्स आप बता सकते हो कि पेटियोल इज द स्टॉक बिटवीन लिफ्ट बेस टू लिफ्ट ब्लेड या फिर लेमिना और दूसरी चीज रांच के बारे में बात करेंगे तो रांच आप बोल सकते हो कि लिफ्ट ब्लेड के बीच में लिफ्ट ब्लेड के बीच में जो स्टॉक होता है जो उसको जो लिफलेट्स में कन्वर्ट करता है जो लिफलेट्स के बीच में जो जिससे लिफलेट्स ज्वाइंट होते हैं जिससे लिफलेट्स ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं आपका रांच समझ में आई बात बात समझ में आई एवरी पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड कैन यू यू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड डू द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस जो हम मैं बात करने चाहता हूं जो मैं बताना आपको चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं रांचज आपका ये नहीं है यहां से यहां तक पेटियोल्स है लेकिन यहां से ये चीज जो बात करते हैं ना सर ये इसको रांच बोलते हैं मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इलोंगेटेड रांचीज होते हैं ऐसे लिब्स कंपाउंड लिब्स में इलोंगेटेड रांचज रहते हैं अब जरा ध्यान सुनिए एक वन सेकेंड देखते हैं स्टॉक है, है और लिफ्ट ब्लेड यह है तो इनके बीच का जो स्टॉक जो है ना सर डंठल है इसको बोलते हैं पेटियोल्स इसके बीच पेटियोल्स और रांचीज को बोलते हैं हमेशा आपको आएगा बहुत बहुत चीजें आएगा ये रांचीज तो बहुत है इस बार हद कर देगा इसमें देखिएगा तो सही यहां से बीच के यहां से जहां से स्टार्ट होता है लेमिना और यहां तक के ये स, ये जो डेंटल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सर इसको बोलते हैं रांच आपके माइंड में फिगर सेट हो जाना चाहिए फिर नहीं अगर सेट हो रहा है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहा कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं रहा चीजें रटना ना पड़े चीजें याद हो जाए चीजें स्मरण हो जाए तब तो जाके मजा आता है उस चीजों को तो रांच और पेटियोल समझ में आती है बात समझ में आई बात राचेस और पेटियो समझ में आई अगर कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो ये चीजें आप कभी भी बेझिझक बता देना चलिए बहुत बेहतर सर आपको जब समझ में आते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा होता है मैं एनर्जी थोड़ा सा मिलती है और वो चीज आपका रेस्पॉन्स इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेस्पॉन्स किया कीजिए दूसरे बंदे ने पूछा सर आप पाइनेट का मतलब क्या होता है पाइनेट इज अ फिदर लाइक स्ट्रक्चर जैसे देखते हैं ऐसा सर ये चीज ये चीज देख रहे हैं ना ये चीज पाइनेट मतलब इसका ट जो वर्ड आया है पिन्ना साया है पाइनेट जो वर्ड आया है पिन्ना साइनेट जो वर्ड आया है पिन्ना साया है और पिन्ना आपको इसी चीज को बोलते हैं आपको पिन्ना राइट ये चीज को बोलते हैं पिन्ना लिफलेट्स को ही बोलते हैं पिन्ना राइट चलिए देख लेते हैं फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना सर उसको बोलते हैं पिनेट अब जरा ध्यान से समझिएगा पिनेट लिफ कंपाउंड लिफ लिट्स कंपाउंड लिफ्ट क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए बहुत शानदार तरीके से आपको दिखेगा हर चीजें समझ में आएगी कि एक ऐसा लिफ है कंपाउंड लीफ इसमें जो होता है ना सर एक ऐसा लिफ कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड लिफ जिसमें जो है एलोंगेटेड होता है रांचीज इलोंगेटेड होता है आपको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं यार राशीज एलोंगेटेड होता है और इसी राशिज पे इसी राशिज पे आपका लिफलेट्स आपका लिफलेट्स इसको बोलते हैं लिफलेट्स ये सारे सारे लिफलेट्स है लिफलेट्स क्या होते हैं अरेंज होते हैं अब अरेंज्ड होते हैं लिफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन द राशिज आप लिख सकते हैं इसको एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड लिवस राशिस आर एलोंगेटेड सरकार रांचस क्या होता है एलोंगेटेड होता है रांचीज क्या होता है एलोंगेटेड होता है और इस रांच पे ना सर ये रांच पे आपका दो रोज निकलते हैं या यहां पर रांच पे दो रोज लिफलेट्स के निकलते हैं जरा देखिए एक रो दो रो निकला कि नहीं निकला दो रो एक रो दुरु दुरू आपके लिफलेट्स ग्रो करते हैं इसी राचिस पे आप मैंने बोला ना सर कि आप राचिस अगर नहीं बताऊंगा तो बीच में पूछेगा सर राचिस क्या है फिर मुझे प्रॉब्लम्स होगा या पूरा का पूरा माइंडसेट पूरा तरीके से उस राचिस पे चला जाएगा चलिए अब राचिस विभाग कर रहा है कि राचिस पे आपका दो रोज में क्या होता है लिफलेट्स एरेंस होते हैं हाँ इलांगेटेड मीस वाई वही वही चीज आप देख रहे हैं इलांगेट मतलब कि लंबा हो ना लंबा लॉन्ग से बना है इलांगेटेड राइट चलिए आप लिख सकते हैं यहां पे ये राशिज जो है ना राशिज बियर्स दिख रहा नीचे दिख रहा नीचे राशिज बियर्स टू रोज नीचे लिख सकता हूं हाँ लिख सकता हूं लेकिन थोड़ा सा टू रोज ऑफ लिफलेट्स टू रोज ऑफ लिफलेट्स बात में समझ बात समझ में आई बातें रांची से क्या करता है दो रोज लिफलेट्स के क्या करता है बियर करता है अब यहां पर ध्यान सुनिएगा सर बहुत आराम से लेके जा रहे आज क्यों क्योंकि चीजें बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा है आसान है तो बहुत ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता यहां पर देखिएगा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा पे अब राचीज में दो रोज ऑफ टू रोज ऑफ लिफलेट्स होते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए ना सरकार समझ में आती है सारे लोग को बियर से जब बॉब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सर अब ये जो मैंने बोला कि टू रोज में होते हैं लिफलेट्स आपको समझ में आई होगी अब ये हो सकता है आपका पेयर में, में, में हो या फिर पेयर में ना हो आपका पेयर में हो या फिर पेयर में ना हो अभी आप देख रहे हैं यहां पे अभी आप यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे क्या है सरकार यहां पे क्या है सरकार पेयर में है ना अभी आपको यहां पे क्या है पेयर में है हो सकता है कि कहीं पे ऐसा भी दिखे कहीं कहीं पे ऐसा भी दिखे जहां से पेयर में ना हो पेयर में ना हो कैसे बात करेंगे सर सपोज कीजिए हमने एक यहां पे लिप्स को यहां पे आपका लिफलेट्स ग्रो कर दिया तो जरा बताइए सरकार कि इवेंट में हुआ क्या इवेंट में हुआ क्या इवेंट में हुआ क्या नहीं हुआ ना तो ये चीजें ध्यान रखिएगा ये चीजें ध्यान रखिएगा हो सकता है यहां पे लिखा रहा है लिफलेट्स मे बी अरेन्ज लिफलेट्स में भी अरेन्ज अल्टरनेटली सॉरी एक मिनट यहां आपसे दिखने रहा पूरी तरीके से लिफलेट्स मे बी अरेन्ज फ्लेट्स में बी अल्टर, नेटली और इन पेयर ऑन रैथ है ना अल्टरनेटली भी हो सकता है और पेयर में भी हो सकता है यार अल्टरनेटली भी हो सकता है और पेयर में भी हो सकता है बातें समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है पेयर में है लेकिन कहीं है, और कंडीशन हो सकता है जहां पे पेयर में ना हो चीजें समझ में आ रही है बातें एवरी पॉइंट्स अगर समझ में आ रही है बातें बहुत बताइए एवरी पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है पिनेट कंपाउंड लिप्स क्या है आपका इसमें जो चीजें कैसे होती है चीजें क्या होती है ये चीज समझ में आ रही है या yes सोनो रिप्लाई करो यार अब हो सकता है ना सर अब ये पेयर में हो सकता है पेयर में नहीं हो सकता है तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से बहुत सारे पेयर में होता है लेकिन एक ना उसको सारा का सारा पेयर नहीं बनाता है तो इसके हिसाब से आपको लिप्स को डिवाइडेड किया गया है मतलब कि पाइनेट कंपाउंड लिप्स को अगेन डिवाइड किया गया है कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया वो चीज आपको मैं बताऊंगा नहीं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा नहीं दिखाऊंगा और साथ साथ में बताऊंगा इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स पहला मजा आना चाहिए क्योंकि मजा आएगा ना सर तो सब कुछ क्लियर होगा ये फिगर नहीं मिटाऊंगा मैं क्योंकि फिगर मिटा दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर मेरे को फिगर बताना पड़ेगा समझे बात हाँ ये चीज हटा ये सारा का सारा चीज फालतू चीज आपको ये रैसेस फासेस हटा देते हैं मिटा ही देते हैं चलिए अब बात करते हैं सर यूनिपाइनेट कंपाउंड लीव्स ये है आपका यूनिपाइनेट ए सरकार यूनि जरा देखिए सर कुछ नहीं करना रटना नहीं है रटना नहीं है मुझे पहली बोल रहा हूं कि रटना नहीं यूनि है यूनिमींस होता है यूनिट और यूनिट मतलब होता है वन है ना यूनि मिस होता है यूनिट और यूनिट मिस होता है वन अब क्या करना है सर अब पाइनेट का मतलब आप समझ चुके हैं तो यूनि हटा दीजिए तो पाइनेट का याद कर लीजिए पाइनेट का आपको याद है तो यूनि मतलब वन अब का... क्या है वन देखिए जरा से अध्यन से यही चीज आ, यहां पे क्या होता है ना सर आपका अगर फिगर की देखने की कोशिश करेंगे यहां पे चीजों को अगर देखने की कोशिश करेंगे यहां पे तो हर चीज समझ में आएगी हर दरख्त खुलेगा हर राज खुलेंगे यहां से राचिस जो यहां पे है सर राचिस यहां पे डिवाइडेड नहीं होता है राचिस जो होता है आपका डिवाइड होता है या नहीं होता है बताइए यहां राचिस डिवाइडेड नहीं होता है मतलब लिख सकते हैं का ब्रांच नहीं होता है अनब्रांच्ड होता है डिवाइडेड की नहीं बात करो अनब्रांच्ड होता है ब्रांच होता है एंड इट बेयर्स रांचीज की बात कर रहा हूं बेयर्स क्या पेयर्ड लिफलेट्स मैं बता रहा हूं सब कुछ बता रहा हूं सब कुछ बता रहा हूं यहां पे अब जरा देखिए रांचीज ये है सर प्राइमरी रांचीज ये है ना सर प्राइमरी राचीज़ ये है और इसी राचीज़ पे आप बात कर रहे हैं ये चीजें आपको दिख रहा है राइट ये चीजें आपका डिवाइड कब करेगा मैं बताऊंगा आपको प्राइमरी राचीज़ क्या होता है अनब्रांच होता है कोई ब्रांचिंग नहीं होता है ऑन आइदर बियर्स लिफलेट ऑन आइदर समझ बात रा, प्राइमरी राज अनब्रांच होता है अनब्रांच अब कैसे समझाने की कोशिश करूंगा आप ध्यान से सुनिएगा यही चीज अगर देख लेते हैं सर ये चीजें एक ये है और एक ये है एक ये देखिए और एक ये देखिए वहां पे नहीं समझ में आएगी चीज ये समझ में तो यहां पे पर देखिए यहां पे जो प्राइमरी रांचीज है डिवाइड हो गया है आपके सेकेंडरी रांचीज में डिवाइड हो गया है प्राइमरी रांची जैसे रूट याद दीजिए रूट्स आपका डेवलप होता डिवाइड करता था तो सेकेंडरी रूट्स बनता था और सेकेंडरी रूट्स में से अगर कुछ निकलता था तो उसको बोलते थे थर्डरी रूट्स तो यहां पर रांची जो प्राइमरी रांचीज है यह क्या हो रहा है आपका ब्रांस होकर आपका डिवाइड होकर दो राशि बना रहा है जिसको बोलते हैं इसको अगर ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिपाइनेट यूनिपाइनेट कंपाउंड लिप्स अब सरकार यूनिपाइनेट लिप्स भी जो है ना आपका यूनिपाइनेट लिप्स भी आपका दो तरह का होता है यूनिपाइनेट लिप्स भी आपका दो तरह का होता है जस्ट होल्ड ऑन

सरकार अब ये हो सकता है ना सर अगर ऐसा हो तो आपको बोलते हैं यूनिपाइनेट कंपाउंड लिप्स अब यूनिपाउनेट कंपाउंड लिप्स अगर बोलते हैं तो इसमें भी दो तरह का हो सकता है एक पेयर्ड वाला और एक मतलब एक एक जिसमें नंबर ऑफ लिफलेट्स हो और में लिफलेट हो एक में इवेंट लिफलेट्स हो और एक में ऑर्ड हो. हो, हो तो दोनों हो सकता है ये जरा बताइए ये आपका इवेंट है या फिर ऑड है ये जो है इसमें इवेंट नंबर ऑफ लिफलेट्स है या फिर ऑर्ड नंबर ऑफ लिफलेट्स है रिप्लाई रिप्लाई में इसमें क्या है इवन मुझे तो लगता है इवन इवन है आपके आपको क्या लगता है इवन है या फिर ऑड है चलिए मैं बताता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स इवन है तो ऐसे को बोलते हैं आपका यूनिपाइनेट कंपाउंड लिवस और यूनिपाइनेट कंपाउंड लिवस आपका दो तरह का होता है यूनिक कंपाउंड लिवस आपका यूनिपाइनेट कंपाउंड लिवस आपका दो तरह का होता है पैरिपाइनेट लिप्स और इम पैरिपाइनेट लिप्स पैरिपाइनेट लिप्स और आपका इम पैरिपाइनेट लिप्स बिल्कुल सही है आपका चीजें समझ में आ रही है अगर कंफ्यूजन कहीं से भी हो तो आप पूछ लीजिएगा कंफ्यूजन अगर कहीं से भी हो आपके पास तो पूछ लीजिएगा अब बात करते हैं सर ये आपका डिवाइडेड है दो टाइप्स में ये आपका डिवाइडेड है दो टाइप्स में एक का नाम है एक की बात करते हैं यहां पे और एक की बात करते हैं यहां पे यह है आपका पैरी और यह है आपका एमपैरी पाइनेट और आपका एम्पैरी अब पैरी में क्या होता है सर पैरी का एग्जांपल यह है मतलब जिसमें आपका इवन नंबर ऑफ लिफलेट्स हो जिसमें आपका इवन नंबर ऑफ ऐसा यूनिपापाइनेट कंपाउंड लेवस जिसमें आपका जो लिफ्लेट्स है वो इवन नंबर में हो जिसमें आपका लिफलेट्स हो क्या हो इवन नंबर में हो है ना पेरीपाइनेट में क्या लिख सकते हैं आप समझ में आ रही बात इवेंट का मतलब हो गया ना सर दे आर बॉर्न इन पेयर दे आर बॉर्न इन पेयर चीजें क्लियर है पैरी पाइनेट किसको बोलते हैं पैरी पाइनेट जिसमें आपका लिफलेट जो है आपका इवन नंबर में हो और दूसरी चीज ये पेयर में हो इवन नंबर में हो और आपका पेयर में हो है ना हाँ लिफलेट में पेट होगा सरकार पेटियोल तो यही ना है ये ना पेट है हमें इसकी बात थोड़ी करनी है हमें इसमें तो ये तो ये सब में होता है ये तो आपका सब में होता है ना सर ये आपका सब में होता है ऐसे में कंपाउंड में तो होता ही है ना हाँ बिल्कुल वहां पे होता है मैं बात कर रहा हूँ यहां पे राशेस की बात कर रहा हूँ राशेस आपका अगर आपका ब्रांस नहीं है तो वो बोलते हैं यूनिपाइनेट लिवस अगर यूनिपाइनेट लिवस में अगर आपका ये जो लिफलेट्स आपका पेयर में हो लिफलेट्स आपका पेयर में हो तो इसको बोलते हैं आपका पैरी पाइनेट याद करने का तरीका पी से पैरी पी से पेयर इम से इमर इम्पेयर और इम से इमरिनेट क्लियर है चीजें चीजें समझ में आ रही है बात चलिए तो इन चीजों का आपने लिख लिया होगा मुझे विद है है ना नहीं अगर ऑड हुआ तो इम वही चीज तो बात करना सर इम पेयर का मतलब ऑड हो गया ना इम पेयर का मतलब होता है ऑड हो गया तो ऑड हो गया तो इम और पाइरिपाइनेट मतलब कि पेयर में पेरिपाइनाइट मतलब कि पेयर में जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं किसका मैं थोड़ा इसको इधर देख लेता हूं पहले इसकी बात कर लेता हूं ये इधर लिख देता है एम्पेरिपाइनाइट राइट एम्पेरिपाइनाइट इधर देखते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं सर इसका एग्जांपल आपका मरिंडस इंडिका जिसको हम लोग बोलते हैं इमली इसका एग्जाम्पल है किसका है? इसका कैसिया की बात करते हैं कैसिया नाम सुना होगा आपने कैसिया नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं इमली आपने सुना है ना इमली का पौधा देख लीजिए ये आपका क्या है आपका पैरीपाइनेट है ये आपका पैरिपाइनेट है अगर बात करते हैं यहां की इम पैरीपाइनेट में यूनिपाइनेट फ विथ ऑर्ड नंबर ऑफ लिफलेट्स दे आर नॉट बॉर्न इन पेयर है ना दे आर नॉट बॉर्न इन पेयर या फिर आपका यहां पे समझ में आ चुकी होगी तो इसको बोलते हैं आपका इम मतलब इम में क्या होता है ये आपका पैरी है, ये आपका आपका पेरीपाइनेट पेरीपाइनेट है है लेकिन के लिए क्या करना होगा यहां पे आप देखिएगा पे इस तरह से हो जाएगा अब जरा देखिए है सारा का सारा पेयर में है सारा का सारा पेयर में लेकिन ये चीज क्या कर दे रहा है इसको भाड़ दे रहा है सारा इवेंट में है लेकिन ये चीज क्या कर दे रहा है आपके ऑड में बना दे रहा है राइट यहां पे क्या कर दे रहा है इसको ऑड में बना दे रहा है तो ये इम में आपको बना दिया राइट मतलब अगर रांचीज को बात करें तो इम्पेयर बना दे रहा है सिर्फ एक सिर्फ एक आपका चीजें क्या कर दे रहा है एक लिफलेट आपका इसको अलग कर दे रहा है जैसा कि आपने देखा होगा नीम का पौधा देखा नीम का नीम का पौधा देखा होगा और गुलाब तो बहुत बेहतर से देखा होगा आपने राइट गुलाब तो बहुत बेहतर तरीके से देखा होगा तो वहां पर चीजें ऐसा ही होती हैं वहां पर चीजें ऐसा ही होती है, है। द रांच लिख सकते हैं यहाँ पे ज टर्मिनेटेड बाई सिंगल सिंगल न सर आपका अनपेड मज़ा आ गया यार बहुत मस्त मतलब टॉपिक अच्छा चल रहा है ना कह रहे हैं सर रात चीज में आप जरा देखिए अब दो फिगर मैं बताऊंगा आपको इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं नीम आपने देखा होगा रोजेस देखा होगा आपने दे बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा इस चीज़ों को अब ये चीज़ बताने की जरूरत आपको ना है रोज़ बात करते हैं नीम बात करते हैं इन दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और ऑब्जर्व भी अच्छे तरीके से किया होगा है ना तो ये चीज़, ये चीज़ों को आप देखते हैं अगर मतलब फिगर्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया जाए फिगर्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया जाए तो बहुत आसान तरीके से मैं दिखा सकता हूं क्या चीज़ें रात और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं टेमरिन में क्या होता है सिचुएशन क्या होता है जरा देखिए ऐसे ये चीज़ आपका प्राइमरी हो गया इस तरीके से ऐसे ये अगर है आपका क्या है इसका एग्जाम्पल इसका पैरिपाइनेट एम पैरिपाइनेट का क्या होता है आपका कुछ नहीं सिंपल सी चीज है लेकिन एक जैसा ना ये सिंगल अनपेयर्ड चीज को भाड़ देता है सिंगल अनपेयर्ड इसको भाड़ देता है।, है आपका एमपायरी पाइनेट यह है आपका एम्पायपाइनेट तो यहां पर रोज ऑर्निंग में ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है और आपके टर्म ये इमली में टेमरिंडस इंडिका जिसकी बात करते हैं हम लोग तो इसमें आपको दिखना है दिखता है पैरिपाइनेट का सिचुएशन राइट समझ में आ रही है चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो आपसे पूछ सकते हैं अगर नहीं है तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं चलिए अभी तो सर यूनिपाइनेट चल रहा था ना अभी अभी आपका चल रहा था यूनिपाइनेट मुझे लगता है वो पूरा तरीके से हो चुका होगा है ना चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने हाँ चलिए चलिए देख लेते हैं सर क्या है हाँ सब बताएंगे सब बताएंगे सब टच आई प्लान ये मिमोसा का ना सब कुछ बताएंगे वेट कीजिए थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको आपके पास क्या है सर हिमांसूर आज थोड़ा सा वेट कीजिए आपको आपके सवालों का जवाब मैं बेशक दूंगा यहाँ पे मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा और दूसरा है आपके पास बाईपाइनेट कंपाउंड लिवस दूसरा है आपके पास बायपाइनेट कंपाउंड ले पाइनेट कंपाउंड लेप्स में क्या होता है सर ट कंपाउंड लिप्स में आपका बहुत ही शानदार चीजें होती है बहुत ही चीजों चीजें अब ज्यादा नहीं है हार्ड नहीं है अब चीजें अब बहुत आसान होती जा रही है यहां पे क्या करना है सर आपका रांचीज जो है ना बाई मिस तो क्या होता है बाई मिस आपको पता है टू बाई मिस का होता है टू बाई मिस का होता है टू है ना तो यहाँ पे प्राइमरी रांचीज जो है वो आप डिवाइडेड हो जाके एक बार फिर से डिवाइड होगा और सेकेंडरी रांचीज बनाएगा प्राइमरी रांचीज क्या होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाए जैसे बात बात करते हैं यहाँ पे ये जो आपका रांचीज है ना सर यहाँ से आपका लिप्स निकल रहा है पूरी तरीके से तो ये चीज क्या होगा आपका डिवाइड होगा और लिप्स इसमें होंगे मत मजा आ गया ये आपका क्या है बाई कंपाउंड लिवस क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे कि आपका जो प्राइमरी राशि जो है प्राइमरी राशि आप जरा देख रहे हैं ये प्राइमरी है ये आपका क्या है प्राइमरी राशि है पेटियोस आपका ये है राइट right? तो ये चीज क्या हो रहा है आप जरा देखिए ये आपका डिवाइड हो गया ना तो सर्दोम में ये आपका क्या होगा डिवाइड हो गया तो इसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी राशि ये आपका क्या आपका सेकेंडरी हेलो दोस्त तो ऐसे अगर आपको देखने को मिलता है ऐसे चीजें देखने को मिलता है तो आपको इसको बोलते हैं बाईपाइनेट कंपाउंड लिवस ऐसे को बोलते हैं आपका बाईपाइनेट कंपाउंड लिवस समझ में आ रही बातें एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडेबल और नॉट एवरी पॉइंट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडेबल और नॉट चलिए मतलब ये चीज जो है ना आपका ये 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 आपका सेकेंडरी रूट्स ये राचिस है ये आपका सेकेंडरी राचिस है ये आपका सेकेंडरी राचिस है ये चीजें आपका सेकेंडरी राचिस और जिससे ये आपका ग्रो किया है ये चीज आपका है प्राइमरी राचिस समझ में आई बात चलिए तो लिख सकते हैं यहां पे इन दिस टाइप the primary ratchets. दूसरी चीज यहां पे एक चीज और समझ में आ रही है कि आपका जो लिफलेट्स है आप जरा देख रहे हैं। लिफलेट्स कोई भी आप बताइए तो प्राइमरी राचिस पे एक भी लिप्स है प्राइमरी राचिस पे एक भी लिफलेट्स है नहीं है प्राइमरी राचिस पे एक भी लिफलेट्स है नहीं है प्राइमरी रांचीज पे आपका एक भी लिफलेट्स दिख रहा है नो आंसर आएगा आपका नो तो इसको बोलते हैं आपका लिफलेट्स मतलब सेकेंडरी राश बियर्स लिफलेट्स सेकेंडरी राशिस बियर्स लिफलेट्स हम hmm? प्राइमरी रांचज एक भी लिफलेट को बियर नहीं कर रहा है जो भी चीज़ें बियर कर रहा है कौन सेकेंडरी रांचस कर रहा है राइट समझ में आई बात अब आपने बोला हो ना सर आपका कि किसका एग्जाम्पल है मिमोसा प्यूडिका का किसी बंदे ने पूछा था आपका कि सर मिमोसा प्यूडिका बताइए किसका आंसर है किसका आंसर है सर जनाब आप मेमोसा प्यूडिका देखें टच मी नॉट प्लान छुई मुई या फिर उसको बोलते हैं लाजवंती जो भी बोलते हैं लास्ट वनती बोलते हैं उसको छुई मोई बोलते हैं या फिर टच में नॉट प्लांट बोलते हैं साइंटिफिक ने मोमोसा प्यूडीका बोलते हैं जो भी बोल दे दे उसको वो है तो एक ही चीज और वो एग्जांपल है बाईपाइनेट कंपाउंड लिप्स का वो एग्जांपल है बाईपाइनेट कंपाउंड लिप्स का आपका इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए मिमोसा प्यूडीका ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टच मी नॉट प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट छुई मुई इसी को बोलते हैं ना सर छुई मुई इसी को बोलते हैं ना शायद चलिए अब डेलोनिक्स और अकेशिया इसका नाम याद रख एक डेलोनिक्स और आकाशिया ये। डेलोनिक्स और अकाशिया इसी का एग्जाम्पल है तो सेकेंडरी रैचेस यहां परियर भी भी नहीं की, कर, कर रहा है चलिए चीजें समझ बाई पाइनेट किसको बोलते हैं अब बाई पाइनेट में आपका आपके पास क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए आज मैंने सबसे शुरू में ही बोला था कि पूरा का पूरा आज लिफलेट लिप्स जो होता है सर आज मैंने बोला था शुरू में ही कि सर आपका सारा का सारा चीज़ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा टाइप के टाइप ऑफ लिप्स का कंपाउंड लिप्स लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा क्योंकि चीजें बहुत ही धीरे धीरे लेकिन सहज तरीके से जा रही है राइट अगर ऐसे आता रहे तो वाह पढ़ने में मजा आएगा पढ़ाने में मजा आएगा है ना चलिए रिस्पॉन्स आप लोग का सबसे बेटर होता है मैं पहली चीज बताता हूँ आपको अब बाई कंपाउंड बाई पाइनेट हो गया बाईपाइनेट हो गया यह चीज हो गया अब आते हैं अगले टाइप्स की तरफ इतना क्लियर है चीजें इतना क्लियर है चलिए अगर इतना क्लियर है ना यार तो आते हैं ना तीसरे तरफ की। उसको कहे लिए इंतजार कराते हैं वो तड़प रहा है वो भी आने के लिए आप लोग के पास पहुंचने के लिए वो तड़प उसमें देखने को मिल रही है और वो क्या है आपका ट्राइपाइनेट मुझे कुछ करना नहीं है आप लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे यहां पे मिटाना पड़ेगा अरे नहीं 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 इट्स ऑल फॉर टुडे नहीं इतना आसान नहीं है अभी है अभी अच्छा खासा है हमारे पास अभी तो जितना बताया ना सर उतना भी बाकी है सोचिए आज का क्लासेस चलिए ट्राइपाइनेट आप सरकार मत मिटका दीजिएगा गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी ट्राई पाइनेट बता दीजिएगा क्या हो सकता है प्राइमरी रांचीज आपका दो बार डिवाइड करता है प्राइमरी राशि डिवाइड करेगा आपका सेकेंडरी रांचीज में और सेकेंडरी रांचीज डिवाइड करेगा आपका सेकेंडरी रांचीज डिवाइड करेगा आपका फिर से टर्सियरी राशि में मजा आ गया इन दिस टाइप प्राइमरी मतलब क्या आप फिगर देखते हैं चीजें आप जरा देखिए उसको बाद में लिख लेंगे मतलब ऐसे ऐसे है ना और ये भी आपका ऐसे 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 देखने को मिलता है <laughs> करना पड़ता है सर मेडिकल एग्जाम से यहीं से उठाकर पूछता है देखिए प्राइमरी रांच प्राइमरी रांचीज प्राइमरी रांचीस डिवाइड हो गया आपका सेकेंडरी राशिज और सेकेंडरी रांचीज पे आपका बना गया आपका टर्सरी राशि मतलब कि इसको बोलते हैं प्राइमरी राशिज ये आपका बोल सकते हैं आपका सेकेंडरी राज और ये आपका है टर्सियरी राजीज अब लेफ्ट से यहां पे ग्रो करेगा चीजें हर जगह पे दिखेंगी मैं पूरा नहीं बना रहा हूं लेकिन आप समझ जाइएगा ये जो है ना ये इस पे आपका यही चीजें लिफलेट्स आपका पूरी तरीके से स्प्रेड होता है आप लिफलेट्स ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूं आप कर लीजिएगा राइट चलिए तो यहां पर कह रहे कि प्राइमरी रांचाइड्स ट्वाइस प्राइमरी डिवाइड्स ट्वाइस एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी एंड टर्सियरी राजा अब रैचिस जो चलिए ये थी समझ में आ रही है बातें ये मतलब यह आपका प्राइमरी रांचीज हुआ यह आपका है ध्यान पेटियोलिएगा ये चीज है यहां से स्टार्ट हो रहा है तो है आपका टर्सियरी राचिस ये, तो ये है आपका टर्सियरी राचिस ये टर्सियरी राचिस ये, ये सेकेंडरी राचिस और ये आपका प्राइमरी राचिस क्लियर है है अब जो लिप्स लिफलेट ग्रो होगा जो लिफलेट्स ग्रो होगा वो किस पे होगा आपका सारा का सारा लिफलेट्स पे ग्रो होगा टर्सियरी रांचीज पे मतलब लिफलेट्स डेवलप्स ऑन द टर्सियरी राशिज इस पे नहीं इस पे नहीं इस पे चीजें समझ में आ रही बातें एवरीथिंग अंडरस्टैंडेबल क्या सारी चीजें आपको समझ में आ रही है क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझ में आना सारी चीजें फा भाड़ में जाए लेकिन पहले आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है नहीं आ रही होगी तो फिर ये बताना ये सारा का सारा व्यर्थ है तो आपका लिफलेट्स आपका क्या होता है डेवलप करता है टर्सरी राशि पे टर्सरी राशि पे डेवलप करता है चीजें आपको समझ में आनी चाहिए राइट और इसी का एग्जाम्पल आप सैजन का पौधा देखे होंगे सेजन जिसको बोलते हैं सौनजाना बोलते हैं उसको नहीं सेकेंडरी राशिज पे कैसे होगा जरा ध्यान से सोचिए ये चीज आप सोचिए ना सर यहां पर ये आपका प्राइमरी इस पे ये चीज तो इस ये चीज आपका डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरीके से यहां पे डिवाइड हो जा रहा है टर्सियरी में तो लिफलेट्स कहां पे ग्रो होगा इस टर्सियरी पे ग्रो होगा लिफलेट्स कहां पे ग्रो होगा पे टर्सन का पौधा होगा ना सर आपके पास सोनजाना उसको बोलते हैं सोनजाना याद रखिएगा इस चीज को तो उसको देख लीजिए आप ऐसे ये चीजें ग्रो करती है राइट समझ में आई बात चलिए ऐसे ग्रो करती है <laughs> इसके बाद टर्सियरी के बाद टर्स के बाद नहीं होगा मेरे भाई टर्सियरी के बाद हो सकता है देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल इसका बात करते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं मोरिंगा सरकार ही क्या बता दिए सरकार वही है सौंजाना सौंजाना इसी को सैजाना बोलते हैं इसी को बोलते हैं आप सैजन एक और रहता है बता दे छोड़िए एक ही बताते हैं ना ज्यादा आप लोग को याद करना पड़ेगा ज्यादा आप लोग को याद करने पड़ेगा नहीं लीजिए बता ही देते हैं मन नहीं मान रहा है ना बताने को कह रहे बताए दो मिलिंगोनिया <laughs> जो भी चीजें है याद कर लीजिए एक चीज आपके अगल बगल का होता है ये आप देख लीजिए मोरिंगा जिसको बोलते हैं सोनजाना जो आपके अगल बगल में बहुत चीजें अच्छे से दिख जाती है ये राइट ये चीजें आपका ट्राई ट्राईपाइनेट कंपाउंड लिप्स आपका समाप्त हुआ ट्राईपाइनेट कंपाउंड लिप्स आपका समाप्त हुआ अब बात कर लेते हैं सर अब बात कर लेते हैं डी कंपोज डी कंपाउंड लिप्स की लास्ट आपका है इसका डी कंपाउंड लिप्स रिप्लाई तो करो यार सब समझ में आ रही है या फिर बस ऊपर से जा रहा है डी कंपाउंड लिप्स डी कंपाउंड लिप्स क्या है डी कंपाउंड लिप्स क्या है इसका एग्जाम्पल मैं बता दू आपको इसका एग्जाम्पल मैं बता दू आपको सबसे शानदार एग्जाम्पल जो आपके अगल बगल में जो आपका फेवरेट होता है जो आपका फेवरेट होता है आपके खरगोश का फेवरेट होता है अब आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या होता है खरगोश का फेवरेट चीज़ खाना क्या होता है आपका फेवरेट भी है और खरगोश का फेवरेट भी है जिसका हलवा प्रसिद्ध है और बहुत ही महंगा मिलता भी है शादी विवाह में बात पूछे सर उस पर लूट हो जाती है पूरी तरीके से उसके लिप्स की बात करते हैं डीकम्पोज लिप्स डी कंपाउंड लिप्स होता है उसकी बात करते हैं तो डी कम्पाउंड लिप्स होता है कैसे सर डी कंपाउंड लिप्स में जो होता है सर इसका प्राइमरी राशिस जो है ना सर प्राइमरी राशिज डिवाइडेड तो होता है मेनी टाइम्स बिल्कुल बिल्कुल कैरट सही बात है आप लोगों ने पकड़ लिया आपके चाहिए डी कंपाउंड लिप्स में जो होता है प्राइमरी राशिस होता है वो डिवाइड तो होता है यार बहुत मेनी टाइम्स डिवाइड होता है लेकिन उसका कोई डेफिनेट नहीं होता है अभी तक जितने भी देखा ना ये यूनिपाइनेट ट्राइपाइनेट इसमें आपका एक रेंज में में वे आपका अरेंजमेंट था राइट लेकिन अब की बात करेंगे यहां पे कोई डिफिनिट वे नहीं होता है कोई डिफिनिट आपका अरेंजमेंट नहीं होता डिवाइड करेगा मेनी टाइम्स लेकिन यहां पे कोई चीज नहीं होता है गाजर के पत्ते को आपने देखा होगा तो कैरोट के पत्ते को आपने क्या अब क्लियर है सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है रिप्लाई ताकि हम लोग अपना लास्ट आज के क्लासेस का लास्ट सेक्शन आपके पास प्रस्तुत कर सके इज इट विजिबल और क्या मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है थम्स अप फॉर माई क्लियर वॉइस थम्स अप फॉर माई क्लियर वॉइस चलिए जैसे कि अगर इसकी बात करते हैं कह रहा है सर कि प्राइमरी राचिस जो है प्राइमरी राचिस जो आपका डिवाइड करता है मेनी टाइम्स बहुत टाइम डिवाइड करेगा चलिए क्लियर है बात लेकिन इसका कोई डिफिनिट ऑर्डर नहीं होता है विदाउट एनी डिफिनिट ऑर्डर मतलब कि क्या समझने की कोशिश कीजिए क्या समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा सपोज कीजिए आपका ये आपका प्राइमरी राचिज है ये आपका क्या है प्राइमरी राचिज है यहाँ से आपका मान लीजिए डिवाइड किया सेकेंडरी राशिज आया सेकेंडरी राचिज आया चलिए समझ में आती है यहां से आया सेकेंडरी रांचीज सेकेंडरी रांचीज लेकिन कोई भी डिफिनिट वे में आपका राचिस जो है डिवाइड नहीं करेगा प्राइमरी राचिस तो चलिए डिवाइड करेगा मेनी टाइम्स में जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे तो यहां पे ऐसे आए सपोज ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए ऐसे, आए, ऐसे। अरे भाई क्या कर रहे हो ये चीजें कुछ तो तरीके से आपका डिफिनिट वे में थोड़े आपका डिफिनिट वे में आपका थोड़े है अगर ऐसे आए अगर ऐसे आए तो डिफिनेट वे में है क्या आपको बताइए आप बताइए डिफिनिट वे में है दिख रहा है डिफिनिट वे में नहीं दिख रहा है ना डिफिनेट वे में दिख रहा है ऑर्डर अरे भाई लो लो इस तरीके से आ गया चीजें समझ में आ रही है है क्या ये आपका डिफिनिट वे में डिफिनिट वे में अगर ना हो तो इसको बोलते हैं डी कंपाउंड लिप्स और डी कंपाउंड लिप्स का आपका जीता जागता उदाहरण है आपके पास वो लाल लाल जो गाजरी कलर का जो गाजर होता है ना वो उसको बोलते हैं आपका यहां पे और इसमें आपका लिफलेट्स ग्रो करेगा लिफलेट्स तो आपको समझ में आ रही है बात चलिए तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते मतलब लैमिना लिख सकते हैं यहां पर एन टू आपने देखा है गाजर का जो पत्ता होता है ना कटा हुआ रहता है बहुत सारा नहीं देखता है देखे गाजर का जो पत्ता होता है कटा हुआ रहता है कट 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 ऑवर रहता है उसमें है ना जैसे अगर बात करते हैं ऐसे रहता है तो ऐसे ऐसे देखते हो, देखा होगा आपने ऐसा जैसे लगता है कि वो कटा हुआ पार्ट है कट पार्ट तो इसको बोलते हैं डिसेक्टेड डिसेक्टेड मतलब आप डाइसेक्ट मतलब कटे हुए है ना तो इसका एग्जाम्पल आपका लिख सकते हैं आप कैरोट एक है एक कारियडरम कॉरियडर मि आपके जानते हैं कॉरियडरमी जानते हैं आप है ना ये दोनों एग्जांपल आप अच्छे से जानते हैं धनिया धनिया ना देखे हैं ये दोनों आपका चीज़ें याद रखिएगा लेमिना जो होता है आपका डिसेक्टेड होता है बहुत यूनिट यूनिटमेट जैसे कि आपकी कॉरियड्रम की बात करते हैं या फिर आपका कैरोट की बात करते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है चीज़ें ऐसी देखने को चीजें मिलती है आपकी बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ये कैरोट की बात करते हैं कैरोट में भी देखने को मिलता है ना लेकिन और जगह पे देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है राइट तो ये आपका डी कंपाउंड लिप्स अगर ऐसे लिप्स देखने को मिल रहा है तो आपका ये है आपका डी कंपाउंड लिप्स क्या मजा आया क्लास तो ये आज के क्लासेस का लास्ट टॉपिक था अभी हमारा कंपाउंड लिवस कंपाउंड लिवस पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है यार कंपाउंड लेव समाप्त करने में अभी एक क्लासेस लगेंगे कंपाउंड लेवस आपका समाप्त करने में एक क्लासेस लगेंगे अगर इस तरह से स्टडी किया तो एक क्लासेज लगेंगे नहीं तो हाफ वन हाफ क्लासेज में भी समाप्त हो सकता है तो डू यू हैव यू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया अभी ही तुरंत अभी याद हो गया चीजों, चीजों सारी चीजें याद हो गई घर पे याद करने का नहीं घर पे रिवाइज़ रिवाइज़ करने का यहां पे लाइव क्लासेस में आपको चीजों को समझ लेना है चीजों को पूरी तरीके से याद कर लेना है जो क्वेश्चन आता है माइंड में, में वो माइंड में जो आता है वो क्वेश्चन आपको पूछ लेना है तो कल बात करेंगे कंपाउंड लिव्स के अगले सेक्शंस की और बहुत ही बेहतर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हाँ इट्स ऑल फॉर टुडे आज के लिए बस इतना ही इट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे स्टे हेल्दी स्टे लाइफ स्टे हैप्पी फॉर एवर स्वस्थ रहिए मस्त रहिए तंदुरुस्त रहिए व्यस्त रहिए और खुश रहिए और इसी तरीके से ऐसे ही ऐसे पढ़ते रहिए बी कनेक्टेड विथ द फैमिली ऑफ एम आर के शी थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन